सो फ्रेंड, तो आगे एक न्यू कमाल की वीडियो के साथ आज जो होने वाले इस टाइप की जो फोटो एडिटिंग। अगर आप लोग इस टाइप की सीधी फोटो एडिटिंग सीखना है तो इस वाले वीडियो को लास्ट देखना। आप लोग इस टाइप की एडिटिंग जो इजली कर पे एंड वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो इसे लाइक कर दो और इस चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलो जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग जो है सिंपल फोटो को देख सकते हो। इस फोटो को आपको जो है सबसे लाइटरूम पर शेयर करना होगा। हम जो लाइटरूम पर शेयर कर लेते हैं इस फोटो को, तो आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं लाइटरूम पर। तो लाइटरूम आने के बाद हम जो यहाँ पर सबसे पहले कलर्स पर जाते हैं और हम जो यहाँ पर मिक्स पर क्लिक कर लेते हैं और हमें जो है कलर के हिसाब से जो है लाइट को एडजस्ट नहीं करना है, तो इसलिए हम सबसे पहले कलर पे आ गए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो शेप्स इंच को बढ़ा देते हैं और इसलिए निमिन स्क्वायर का सा बड़ा हम जो इसको जो इतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको 100% कर लेंगे और अभी हम इस कलर पर जाते हैं और इसका जो हम निमिन इसको बढ़ा लेंगे उस टाइप से एकदम, और अभी जो हम इसके शेप्स इंच को और थोड़ा कम। और अभी आपको इस ब्लैक कलर पर आ जाना है और इस ब्लैक कलर पर आने के बाद आपको इसका शेप्स इंच को एकदम कम कर लेना है 100%, और इसका भी कम कर लेना है एकदम 100%, ठीक है। और इसका भी कम कर लेते हैं इस टाइप से एकदम। आपको भी ऐसे ही करना है और इसको डन कर लेना। तो डन करने के बाद आपको यहाँ पर जो सबसे इफेक्ट पर आ जाना होगा। इफेक्ट पर आने के बाद इसको जो विग्नेट पर क्लिक करके विग्नेट कम कर लेना इस टाइप से, और इसका जो हम इसको भी कम कर लेते हैं और इसकी जो टेक्सचर को बढ़ा देंगे इस टाइप से, और इसकी जो क्लियरिटी को भी बढ़ा देंगे इस टाइप से। आपको बढ़ा देना होगा और इसको बैक कर लेना है। तो अभी आपको इस फोटो को शेयर करना होगा जो पिक्सेल एप्लीकेशन के अंदर, हम जो पिक्सेल में शेयर कर लेते हैं। तो पिक्सेल में आने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है आर्टिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आर्टिस्ट पर क्लिक कर देना और आपको जो है साइड पर आकर जो है यहाँ पर फर्टल वन को यहाँ सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई पर जाना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना और उसको जो है एकदम कम कर लेना, एकदम 0% कर लेना, ठीक है। और अभी आपको इरेस पर क्लिक कर देना होगा और आपको यह सबसे पहले जो है अपने फेस से इसको हटा देना होगा। तो हम यहाँ पर इरेस पर क्लिक करके जो इसके जो है हार्डनेस को एकदम बढ़ा लेते हैं इस टाइप से एकदम, और इसके साइज को कम करके इसको जो हम इरेस कर लेंगे अपने फेस से, ठीक है। बस आपको जो है फेस से हटाना है, ठीक है। फेस को हटा देना इस टाइप से एकदम। आप लोग जैसे मैं हटा रहा हूँ वैसे भी आपको हटा देना होगा। तो हम जो जल्द इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है फेस से और हाथों से यहाँ पर हट गया। तो अभी हम इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद आपको जो इसको डन कर लेना है यहाँ से। तो डन करने के बाद अभी आपको फिर से इफेक्ट पर जाना होगा। इफेक्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है इफेक्ट पर जाना होगा, ठीक है। हम इफेक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इफेक्ट पर आने के बाद आपको यहाँ पर HDR दिख रहा होगा, तो HDR पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो है फिर से इरेज़ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको जो है फेस से हटा देना है फिर इसको, ठीक है। हम जो है फेस से इसको हटा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर हो गया, तो इसको भी हम डन कर लेते हैं और इसको जो यहाँ से डन कर लेंगे। तो अभी हम जो इस फोटो को सेव करेंगे जो फेस एप्लीकेशन इस फोटो को ऐड कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर जो अच्छा ब्लर हो जाता है तो वहाँ पर जो हम ब्लर करेंगे। तो इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। तो फोटो को सेव करने के बाद आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाने को, और आ जाने के बाद आपको जो यहाँ पर सबसे इंटरनेट को ऑन कर लेना। देख सकते हैं हमारा डाटा जो है यहाँ पर ऑन है, तो आपको भी ऑन करने लगा। करने के बाद आपको जो है फेस ऐप को जो है ऑन कर लेना, ठीक है। तो ओपन करने के बाद फेस एप्लीकेशन को अभी आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है जिस फोटो आपने सेव किया था। हम जो उस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर से आपने आने के बाद आपको यहाँ साइड में जो एक लेंस ब्लर का ऑप्शन देख सकते हैं। लेंस ब्लर पर आपको क्लिक करना है। लेंस ब्लर पर क्लिक करने के बाद आपको जो बुके पर क्लिक कर देना है। तो हमें जो बुके वाला बैकग्राउंड चाहिए, तो हम जो यहाँ पर बुके पर क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारा जो एक क्लिक अंदर हो गया एकदम बुके वाला बैकग्राउंड। तो आपको जितना चाहिए ब्लर उतना देख सकते हो। यहाँ पर मुझे जो है हल्का चाहिए, मैं जो इतना रख लेता हूँ। और अभी जो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से जो हम यहाँ पर जो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं एकदम। आपको भी इस स्टेप से करना होगा। तो देख सकते हैं हमारा फोटो कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी इस फोटो को हम अप्लाई पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से जो हम अप्लाई पर क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा फोटो कितना ऑसम लग रहा है। तो इस फोटो को हम जो शेयर कर लेते हैं जो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो ऑटोडेस्क में आने के बाद आपको यहाँ पर जो ब्रश पर क्लिक कर देना होगा। ब्रश पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है इस वाले ब्रश को जो है सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस वाले ब्रश को सेलेक्ट करना, सेटिंग में जाना और इसके जो हम एक्सटेंड को जो है यहाँ पर 2% रख देंगे, इतना रख देंगे। और इसके जो फॉलो को जो हम 2% रख देंगे। और अभी आपको जो है फोटो कर लेना जूम। फोटो को जूम करने के बाद आपको जो यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर फेस स्मूथ कर लेना होगा एकदम, ठीक है। यहाँ पर जो हार्ट जो है स्मूथ होगा। तो अब जब भी जो है फेस स्मूथ करो तो इसी वाले ब्रश को सेलेक्ट करना और आपका फोटो देखने कितना मस्त एडिट होता है। तो हम जो इसी टाइप से कर लेते हैं अपने सीपी फोटो एडिटिंग। तो अभी जो है सीपी फोटो एडिटिंग जब भी करोगे तो इस वाले ब्रश का यूज़ करना हमेशा, ठीक है। तो मैं जो जल्दी इसको कर लेता हूँ, ठीक है। और तब तक ले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी इसको कर लेते हैं।
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फेस स्कैन करना जो यहाँ पर हो गया। तो अभी जो आपको एक पिन इसको ऐड करना होगा, तो आपको जो है सबसे पहले इस वाले पिन इसको यहाँ पर ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको जो यहाँ पर रख देना है और इसको जो डन कर लेना है, इसको जो स्क्रीन कर लेना होगा आपको। स्क्रीन करने के बाद इस टाइप से आपको रख देना। और अभी आपको जो यहाँ पर एक पिन इसको और ऐड करना है, ठीक है। एक टेक्स्ट वाला पिन होगा ये वाला, तो इसको भी ऐड करना है। और इसको जो यहाँ पर रख देते हैं और इसको डन कर लेंगे और इसको भी स्क्रीन कर लेंगे हम। स्क्रीन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो कितना ऑसम लग रहा है। और इसको जो हम अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। और अभी हम और एक जो है इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। इसका जो डुप्लीकेट बना लेते हैं, तो इसको जो है इस टाइप से ट्रांसफर करने के बाद इसको जो यहाँ पर रख देना और इसको डन कर लेना। तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो लाइट को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो अभी आपको इस लाइट का जो कलर को चेंज करना होगा, तो चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, इसको जो लाइट पर क्लिक कर देना। और हम जो यहाँ पर जाते हैं इसको जो कलर को चेंज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। आप लोग वीडियो को देखते हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी भाई जो है वीडियो को देखते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ जो आपको बताता हूँ हमेशा, ठीक है। और उसको डन कर लेंगे। और अभी जो हम यहाँ पर जो है ब्रश पर जाते हैं और उसके लाइब्रेरी पर जाएंगे और उसके जो हम इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेंगे और सेटिंग पर जाना आपको। और इसके जो अमाउंट को कम कर लेना और उसके साइज को थोड़ा बढ़ा देना। और अब इसका जो लाइन आ रहा है ना, इसको हटा देना इस टाइप से, तभी जो आपको फोटो बहुत ही मस्त लगेगा। इसी टाइप से कर लेना एंड देख सकते हैं हमारा फोटो कितना ऑसम लग रहा है। आपको जो एक एक चीज़ जो मैं क्लियर बता रहा हूँ हमेशा, ठीक है, मैं जो हमेशा जो न्यू ट्रिक आपके लिए लाता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ से हो गया। तो अभी आपको जो एक टैटू को जो है ऐड करना है, ठीक है। वो वाला पीएनजी भी बहुत खतरनाक होता है, ये वाला टैटू। और इसको जो हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको स्क्रीन कर लेंगे सबसे पहले। स्क्रीन करने के बाद नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पर हल्का सा जो यहाँ पर हाथों पर रख देना, एक यहाँ पर रख देना अपने हाथों पर, डन कर लेना। और अभी इसका डुप्लीकेट बनाना है। बनने के बाद इसको जो हम यहाँ पर रख देते हैं कुछ यहाँ पर, तो देखना हमारा फोटो कितना गजब की लगता है एकदम। इसको करने के बाद अभी आपको जो है पर इस टाइप से जो है ब्रश के साइज को कम कर लेना और इसको जो हाथों से इरेस कर लेना है। तो देख सकते हमारा इरेस हो गया। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फोटो जब बन गया। तो अभी आपको इस फोटो को शेयर करना है स्नैपचैट पर, तो हम यहाँ पर स्नैपचैट पर शेयर कर लेते हैं। स्नैपचैट पर आने के बाद आपको यहाँ पर टू पर क्लिक कर देना होगा और आपको यहाँ पर टू नेम्स पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है एमबी को बढ़ा देंगे और इसके जो हम हाईलाइट्स को जो बढ़ा देंगे स्टेप से, और उसके शेडो को बढ़ा देते हैं हम जो इतना बढ़ा देंगे शेडो को एकदम। और अभी जो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा देना होगा और इसका जो कॉन्ट्रास्ट को हम कम कर लेते हैं और इसके सेचेंज को हल्का सा बढ़ा देंगे और इसको डन कर लेंगे। तो अभी आपको फिर से टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स पर जाना होगा और डिटेल्स को यहाँ से इस टाइप से बढ़ा देना और इसको डन कर लेना। तो अभी हम जाते हैं सिलेक्टिव पर। सिलेक्टिव पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो है जहाँ पर ब्लैक यहाँ पर सिलेक्ट करके जिसको ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे इस टाइप से और इसका जो हम शेडो को जो हल्का सा कम कर लेंगे और उसको डन कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा फोटो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना और इस तरह के वीडियो में हमेशा डालते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ना भूलिएगा। तो ऐसे ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।